मैं ये कह रहा हूँ, अब जैसे शाहीन की बात अगर मैं करूँ, कोई भी हो शाहीन की जगह, चाहे शाहीन हो या ना, अब वो लड़का खुद इंग्लैंड गया, अपने टिकट पे गया, अपने पैसों पे रुका है वहाँ पे, डॉक्टर के साथ उसने कॉन्टेक्ट किया, यहाँ से मैंने डॉक्टर को अरेंज किया, वहाँ से उसने डॉक्टर को कॉन्टेक्ट किया और वो सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए शाहीन आफरीदी का कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आती है कैसे कोई कह सकता है कि हम अपने प्लेयर का ख्याल नहीं रखेंगे। अभी इंग्लैंड में है ना, रिहैब हो रही है उनकी, बाकी चीज़ें जैसे चलेंगी वो चलेंगी। फ़खर गए हैं, उसके बाद रिजवान का आपने देखे, हम अपने प्लेयर्स को इस तरह से कैसे ये नाहक एक कॉन्ट्रोवर्सी है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के एक फॉर्मर कप्तान, फॉर्मर खिलाड़ी और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर के बीच में हुई है लड़ाई, तलखलामी हुई है रमीज राजा और शाहिद आफरीदी के बीच में है। मगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर मेन टॉपिक ये साबित हुआ कि भाई जो शाहीन शाह आफरीदी की इंजरी है, शाहिद आफरीदी ने समा न्यूज़ के ऊपर बैठकर एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है जिसमें वो कहते हैं कि ये जो शाहीन शाह आफरीदी की इंजरी है ये ओवर यूज़ की वजह से आई है। और जो सबसे बड़ा बयान उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि शाहीन शाह आफरीदी की इंजरी का जितना भी खर्चा है वो खुद अफोर्ड कर रहे हैं, पीसीबी इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहा। जी हाँ, ये बताया है शाहिद आफरीदी ने, शाहीन शाह आफरीदी के ससुर हैं वो, उन्होंने ये बात की है कि शाहीन शाह आफरीदी जो भी खर्चा कर रहे हैं अपनी मेडिकल या टीम के ऊपर या फिर अपना जो भी ट्रैवल का खर्चा है वो सब का सब शाहीन शाह आफरीदी खुद दे रहे हैं। और बताया कि जब वो यहाँ पर थे तो मैंने उनके लिए डॉक्टर किया था और जब वो इंग्लैंड गए तो वो खुद अपने पैसों पर कर रहे हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल भी आना बाकी था। और मीडिया के एक एंकर के सवाल पर रमीज राजा इस पर भड़क पड़े। रमीज राजा ने बताया कि भाई मुझे समझ नहीं आती कि कोई खिलाड़ी कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि हम अपने प्लेयर्स का ख्याल नहीं करते, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलवेज, सिर्फ अभी नहीं, अपने ये फॉर्मर जो टेस्ट क्रिकेटर्स या रिटायर्ड क्रिकेटर्स होते हैं उनका भी ख्याल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है शाहिद आफरीदी का रमीज राजा के ऊपर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर मीडिया के कुछ एंकर्स का ये भी कहना था कि अभी रमीज राजा गए थे कई डेढ़ महीने के लिए, वो कहीं पर बाहर गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक मामले में, जिसके ऊपर करीब डेढ़ महीना वो पाकिस्तान से बाहर रहे और उसका जितना भी एक्सपेंसेस आया, जितना भी खर्चा आया वो सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ऊपर लिया। लेकिन शाहिद आफरीदी के मुताबिक शाहीन शाह आफरीदी के ऊपर पीसीबी ने एक रुपया भी खर्च नहीं किया, जो कि एक बहुत हैरानकुन बात है कि शाहीन शाह आफरीदी जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद करोड़ों का मुनाफा दिलवाया है, जब उनके ऊपर थोड़ा ऐसा वक्त आया। और अब आगे पाकिस्तान को ज़रूरत है शाहीन शाह आफरीदी के वर्ल्ड कप के अंदर, उससे पहले शाहिद आफरीदी का ये बयान यकीनन शाहीन शाह आफरीदी और पीसीबी के दरमियान भी खलल पैदा कर सकता है कि भाई आपने शाहिद आफरीदी को ऐसा क्यों कहा, क्योंकि शाहिद आफरीदी के मुताबिक उनकी शाहीन शाह आफरीदी से बात होती रहती है और शाहीन शाह आफरीदी ने ही उनको कहा था कि भाई मेरे ऊपर कोई खर्चा नहीं हो रहा है, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने जेब से कर रहा हूँ, अपने एक्सपेंसिव से कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है या फिर आप कह लो कि बहुत बड़ा सच है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है। क्या यहाँ पर शाहिद आफरीदी सच बोल रहे हैं या रमीज राजा सच बोल रहे हैं, इसकी हकीकत बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। आप लोग को क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कर सकता है? वैसे अगर देखा जाए तो माजी में भी ऐसा कई क्रिकेटर्स हैं जो इल्ज़ाम लगा चुके हैं, जो एलिगेशन लगा चुके हैं, लेकिन अब शाहिद आफरीदी ने कहा है तो ये बात कोई छोटी नहीं है, क्योंकि शाहिद आफरीदी दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर कभी झूठ ना बोलने वाले खिलाड़ी हैं। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं किसी के लिए, आपको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।